हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंटिन्यू चैप्टर 10th ऑफ क्लास 7th ऑफ हिस्ट्री। पहले हमने पढ़ा मेडिवल इंडिया के स्टार्टिंग्स के बारे में, टर्म्स के बारे में। नाउ मूव टू हिस्टोरिकल सोर्सेस। द हिस्टोरियंस डिपेंड ऑन आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेस अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ मेडिवल पीरियड। जो इतिहासकार थे वह मध्यकालीन युग की जानकारी के लिए पुरातन और साहित्यिक स्रोतों पर निर्भर थे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातन स्रोत। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, टेंपल्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन, यूटेंसिल्स, टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड पेंटिंग्स। पुरातन स्रोतों में क्या क्या आता है? पुराने स्मारक, टेंपल्स मतलब मंदिर, शिलालेख, सिक्के, बर्तन, उपकरण, हथियार, गहने और पेंटिंग्स। फर्स्ट, एंशिएंट बिल्डिंग्स, दे इंक्लूड टेंपल लाइक खजुराहो। इनमें क्या है, मंदिर आते हैं जैसे कि खजुराहो, भुवनेश्वर, कोणार्क आदि। मस्जिद आती हैं जैसे जामा मस्जिद, मोती मस्जिद आदि। फोर्ट्स मतलब किले आते हैं जैसे रेड फोर्ट, लाल किला और आगरा किला। पिलर्स कौन से हैं जैसे कुतुब मीनार। पैलेसेस मतलब महल, जैसलमेर और जयपुर। नेक्स्ट, इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख। इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ अर्ली मेडिवल पीरियड। शिलालेख से हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है पहले मध्यकालीन युग के बारे में। दे ऑल्सो प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, डेट्स एंड पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ रूलर्स, अबाउट द स्पेसिमेंस ऑफ आर्ट। इन सब चीज़ों से हमें क्या जानकारी मिलती है, जो कुछ महत्वपूर्ण आयोजन हुए थे, कुछ तारीखों के बारे में और कुछ निजी जो गुण थे उस समय के शासकों के, और जो आर्ट के स्पेसिमन हैं जैसे कि कला के नमूने, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन मेयर्स और उनके प्रबंधिक उपचारों के बारे में जानकारी मिलती है उस समय के। डू यू नो वाई डिड किंग्स एंग्रेव देयर ऑर्डर्स ऑन द प्लेट्स ऑफ ब्रॉन्ज, इंस्क्रिप्शंस एंड द वॉल्स ऑफ टेम्पल्स। क्या आप जानते हैं कि पुराने समय के राजा जो थे वो अपने ऑर्डर्स को प्लेट्स के ऊपर या फिर कांसे के शिलालेख या दीवारों के ऊपर क्यों खुदवाते थे? नेक्स्ट इज कॉइन्स। कॉइन्स थ्रो लाइट ऑन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, डेट्स एंड पर्सनैलिटीज़। सिक्के जो हैं किसके बारे में जानकारी देते हैं, कुछ ऐतिहासिक आयोजन, तारीखों या फिर कुछ महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज़ के बारे में। सम कॉइन्स गिव अस एन इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड। कुछ सिक्कों से हमें उस समय के हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। लिटरेरी सोर्सेस, इसके बाद हैं लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत। लिटरेरी सोर्सेस इंक्लूड ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज, क्रॉनिक्स ऑफ रूलर्स एंड डायनास्टीज, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। लिटरेरी सोर्सेस में क्या आता है, स्वजीवनी, जीवनी जो हमारे शासक थे उनका इतिहास, राजवंश और कुछ दस्तावेज आदि। दीज प्रोवाइड अस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेडिवल पीरियड। ये हमें मध्यकालीन युग की बहुत सारी जानकारी देते हैं। डू यू नो वाई डिड लिटरेरी सोर्स कम इन एग्जिस्टेंट। क्या आप जानते हैं कि वे साहित्यिक स्रोत जो स्रोत थे वे क्यों होंद में आए? अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, विदेशी यात्रियों के खाते। अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स आर ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स ऑफ दिस पीरियड। जो यात्री थे, विदेशी यात्री, उनके खाते भी बहुत महत्वपूर्ण जो है साहित्यिक स्रोत हैं उस समय के। मुस्लिम ट्रैवलर्स विजिटिंग इंडिया रॉट एन अकाउंट ऑफ देयर ट्रैवल। जो मुस्लिम यात्री थे इंडिया आने वाले, उन्होंने अपने अकाउंट्स बनाए, अपनी यात्रा के अकाउंट्स बनाए। इब्न बतूतास किताब उल रिहल्ला अकाउंट डिस्क्राइब द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की विजिट के बारे में किसने लिखा? इब्न बतूतास के किताब उल रिहाल अकाउंट में लिखा गया। आल बैरूनी ऑल्सो रॉट एन अकाउंट अबाउट हिज स्टे इन इंडिया।
अल बेरूनी ने भी अपना जो जितनी देर तक वह भारत में रुका उसके बारे में लिखा। अब्दुल रजाक विजिटेड द किंगडम ऑफ विजयनगर एंड रोट अबाउट द कंडीशन इन द किंगडम। अब जो अब्दुल रजाक था वह विजयनगर राज्य में पहुंचा और उस समय की स्थितियों के बारे में लिखा। बिसाइड्स दिस द अकाउंट रिटन बाय यूरोपियन ट्रेवलर्स थ्रो द लाइट ऑन कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग देयर विजिट। इसके अलावा कुछ खाते जो यूरोपियन ट्रेवलर द्वारा लिखे गए थे वो भी इंडिया के उस समय की जो विजिट्स थे उनके ऊपर उनकी कंडीशंस के ऊपर जानकारी देते हैं। नेक्स्ट इज़ पेंटिंग। पेंटिंग इन एडिशन टू गिविंग जनरल इन्फॉर्मेशन दे ऑल्सो गिव अस नॉलेज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट। पेंटिंग जो है हमें सिर्फ आम जानकारी नहीं देते बल्कि हमें उस समय के जो कला थी उसके विकास के बारे में भी बताते हैं। स्पेशली द आर्ट ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड, खासकर उस मध्यकालीन युग की पेंटिंग कला के बारे में, चित्रकला के बारे में। नेक्स्ट इज म्यूज़िक। अलॉन्ग विद पेंटिंग म्यूज़िक इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज। पेंटिंग के साथ साथ जो म्यूज़िक है वो भी एक अच्छा जो है ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत है। द मुगल रूलर्स एक्सपेक्ट औरंगजेब पैट्रोनाइज्ड इट। सभी मुगल शासक थे सिर्फ औरंगजेब को छोड़कर बाकी सब ने जो उस समय के म्यूजिशियंस थे उनका संरक्षण दिया। देयरफॉर म्यूज़िक डेवलप्ड ड्यूरिंग देयर रीजन। इसी कारण जो म्यूज़िक था उनके समय में विकसित हुआ। अकबर पैट्रोनाइज्ड मेनी म्यूजिशियंस। अकबर ने बहुत सारे जो कलाकार थे म्यूजिशियंस थे उनको संरक्षण दिया। अमंग देम तानसेन वॉज अ फेमस म्यूजिशियन। उन सब में से तानसेन जो था एक मशहूर गायक था। दस म्यूज़िक ऑल्सो इज़ अ गुड सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज। सो इस तरह से म्यूज़िक है वो भी ऐतिहासिक जानकारी का एक अच्छा स्रोत है। इट पॉइंट्स आउट द फ्यूज़न ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम कल्चर। ये हिंदू और मुसलमानों के संयोजित कल्चर के बारे में जानकारी देता है। सो इस चैप्टर में हमने पढ़ा मध्यकालीन भारत के बारे में कि उस समय की किन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमें इस समय की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।